वेलकम बैक क्लास। अभी तक बच्चों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 54 के अंदर चार वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको हमने फिगर आउट कर लिया है। अब बेटा इस वीडियो में पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते वक्त कौन कौन से टेबल्स की जरूरत पड़ेगी और वो बनता कैसे है उसे समझना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन द पॉइंट्स टू रिमेंबर आर एज फॉलो। जहां पर आपके चार वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं फ्रॉम देयर अगर आपके पास पेज पूरा ब्लैंक जा रहा है देन कंटिन्यू, और अगर 5-7 लाइंस ही ब्लैंक है देन प्लीज टेक अ न्यू पेज एंड राइट द हेडिंग एज फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ रेपिटेशन। अब जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस में अ या अल्फाबेट ए 5 बार बोलूं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल बिकम 5। अब जैसे कि आपके घरों में चाय कितनी बार बनती है मैं पूछूं तो कोई बोलेगा सर मेरे घर में चाय 2 बार बनती है, कोई बोलेगा सर मेरे घर में चाय 5 बार बनती है, कोई बोलेगा सर हमारे घर में चाय पीते ही नहीं है। तो अगर 2 बार बन रही है देन द फ्रीक्वेंसी इज 2, 5 बार बन रही है देन द फ्रीक्वेंसी इज 5, और अगर 8 बार भी नहीं बन रही देन द फ्रीक्वेंसी इज 0। इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ रिपीटेशन। बट अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे वो भी तो जानना जरूरी है, तो उसके लिए टोटल 3 टेबल बनाए जाएंगे। हाउ मेनी? 3। द फर्स्ट टेबल विल बी ऑलवेज फ्रॉम द क्वेश्चन। आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वहीं से आपका पहला टेबल निकलेगा, टेबल की हेडिंग और टेबल के अंदर के नंबर्स सब कुछ वहीं से आएंगे। इसीलिए आपका पहला पॉइंट टू रिमेंबर लिखा गया है अरेंज द गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्कोर का मतलब होता है द नंबर्स विच आर गिवन इन इट। नेक्स्ट आपको लिखा गया है द सेकेंड टेबल इज फॉर टैली मार्क्स। तो क्वेश्चन आता है कि सर ये टैली मार्क्स क्या होते हैं, तो बेटा स्टैंडर्ड 3 में डेटा हैंडलिंग करके एक चैप्टर था आपको और उसमें आपको पहली बार सिखाया था कि अगर कोई भी चीज 4 बार रिपीट होती है तो हम लोग ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 छोटे छोटे मार्क लगाते थे और ये बनता था टैली मार्क। उस टाइम में जब आप 3rd में थे तो आपको पहली बार ये सिखाया गया था, इसीलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं समझाया। बट अब आप 7th में हो, 4 साल बीत चुके हैं उस चैप्टर को, अब आपको समझना क्या है। अगर कोई भी चीज 5वीं बार या 10वीं बार या 15वीं बार दैट इज इन द काउंट ऑफ 5 में रिपीट होती है तब आपको संभल जाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब कोई भी चीज अगर 5 बार रिपीट हुई है तो 5 बार लिखते कैसे, 1, 2, 3, 4, और जब 5वीं बार रिपीट होगी तो इन चारों को ऐसे कैंसिल कर दिया जाता है। सो दिस बिकम्स अ पैक ऑफ 5, यानी ये 5 बार रिपीट हुआ। मान लो अगर कोई चीज 10 बार रिपीट हुई तो ये रही 5, वापस से 1, 2, 3, 4, और जैसे वो 5वीं बार रिपीट होगी आप वापस से इसे क्या कर दोगे, कट कर दोगे। सो एवरी टाइम जैसे ही वो 5th टाइम आएगा, 10th टाइम आएगा, 15th टाइम आएगा, इन द काउंट ऑफ 5 आप वो 5वीं लाइन इसी तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब आप इसको गिनो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 10। तो ये जो टोटल करते हैं ना बेटा इसी का नाम रखा है फ्रीक्वेंसी, इसी का नाम है फ्रीक्वेंसी। मान लो अगर आपके पास ऐसा दिया होगा, सो दिस इज 5 एंड दिस इज 6, 7, 8, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती 8 अगर आपको ऐसा दिया रहेगा। तो दिस इज 5 + 5 + 5 टोटल विल बी 15, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15। इन शॉर्ट जितने टैली मार्क्स यूज किए गए हैं उन सभी टैली मार्क्स को आप फ्रीक्वेंसी के टेबल में लिखोगे और एंड में बेटा इन सभी को ऐड कर दिया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल 8 + 5 = 13 and 1, 1, 2, 3, तो ये हो गया इसका टोटल 33।
और फ्रीक्वेंसी के टेबल का जो टोटल होता है ना वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट एन से डिनोट किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको चौथा जो लिखवाया है वो ये लिखवाया है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। टोटल का मतलब होता है आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद जो भी ये आंसर आएगा वो हमेशा आपके क्वेश्चन से मैच होगा। कैसे? वो हम जब अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 55 में एंटर करेंगे तब मैं आपको समझाता हूं। अभी के लिए आपको सिर्फ ये पॉइंट्स टू रिमेंबर ही कॉपी करना है, दैट्स इट। इसमें से कुछ भी नहीं लिखना, ओनली कॉपी दीस फोर पॉइंट्स एंड देन द वीडियो विल कम टू एन एंड गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्स्ट सम ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 55। Till then, take care of yourself and thank you.